हरियाणा च बीजेपी की हैट्रिक 48 सीटां दे नाल सैनी सरकार की वापसी कांग्रेस 40 तो हेठां ही अटकी 11 या 12 अक्टूबर हो सकती है भाजपा विधायक दल की चोण। बीजेपी की इतिहासिक जित तो बाद पीएम मोदी का कांग्रेस से निशाना, बोले झूठ की कुट्टी ते विकास की गरंटी पई भारी, गीता की धरती से हुई सच की जित। हरियाणा के चोन नतीजों लैके कांग्रेस ने ईवीएम से चुके सवाल, हुड्डा ने कहा नतीजे हैरानीजनक, कुमारी शैलजा ने बोले हाईकमान देखिए हार लई केड़े लोग जिम्मेवार। मनप्रीत बादल ने राजा वड़िंग की गिद्दड़ नाल की तुलना, कहा डिंपी ढिल्लों तो गिद्दड़बाह के लोगों नहीं बचाएगा वड़िंग, निगम चोणा के रौले दौरान मेरी गड्डी च बैठन लई करदा सी मिन्नत। सुखबीर बादल दे मुक्तसर धरने ते अकाली दल सुधार लहर ने चुके सवाल, कहा सुखबीर ने अकाल तख्त साहब के हुक्मां दी उड़ाइयां तज्जियां, अकाली दल का जवाब सुधार लहर ना सिखाई मर्यादा। पंचायती चोणों नूं लैके सड़कां ते सियासी घमासान, गिदड़बाह च राजा वड़िंग ने हाईवे ते लंघाई पूरी रात, पंचायती चोणों की नामजदगी च तक्के शाही दा लाया इल्जाम। सूबे भर च अज पंजाब पुलिस का ऑपरेशन कासो, ग्राउंड से उतर के क्राइम फ्री पंजाब की मुहिम चलाउणगे पुलिस आला अधिकारी, डीजीपी खुद करनगे अगवाई। सत श्री अकाल, न्यूज 18 पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है, मैं तान्या चौधरी लेके हाजिर हाँ इस वेले दी मुख खबरां। तो बुलेटिन की शुरुआत करांगे, हरियाणा विधानसभा चोणों के नतीजों के विचाले लीडरों के चेहरे ते वध जड़ी है चर्चा जलेबी की हो रही है, अजिहा क्यों वेखो इस रिपोर्ट च। हरियाणा विधानसभा चोणों के विच एंट्री करते हुए जलेबी ने पहला कदम गुहाणा च रख्या सी, जिथे चोन प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी नूं जलेबियां दा पैकेट गिफ्ट कीता सी। इस तों बाद राहुल गांधी ने इन्हां जलेबियां नूं खा के खूब तारीफ की थी। आते जलेबी दे निर्यात दी संभावनावां नूं खोजण दी गल कही, आते उन्हां कहा कि इन्हां नूं वड्डे कारखानियां च बनाया जावे ताकि रोजगार वधेगा। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। इस बाद कांग्रेस की जीत नूं लेके लगाए जा रहे कयास राइयां दे विच जलेबी ने पैरा देना शुरू कर दिता, आते चोन नतीजियां दे विच ही कांग्रेस दे वर्करां दे वल्लों जलेबी मंगवा के जश्न मनाउणे शुरू कर दिते गए, आते जदों तक रुझान बदले तां जलेबी पूरी तरह दे नाल छा चुकी सी। जिस तों बाद आते बीजी भजन लाल शर्मा दी वी जलेबी तलदियां दीआं तस्वीरां सामणे आईआं, तां अनिल विज ने जलेबी नूं लैके राहुल गांधी ते तंज कसिया अते कहा कि शायद अजे राहुल ने जलेबी दी फैक्ट्री नहीं खोली। राहुल गांधी ने जो जलेबियों की फैक्ट्री लगाई थी उसकी आज लेबर भाग गई है और फैक्ट्री को लग गया ताला। मैं पहले दिन कह रहा था कि कांग्रेस साफ होएगी, इनकी दुर्गति होगी, और ये नाच रहे थे और जलेबियों की फैक्ट्री खोल के और उस जलेबियां बांट रहे थे, और हमारे मुख्यमंत्री को भी जलेबी भेंट करने की बात कर रहे थे। इनको जनता की नब्ज नहीं पता, ये तो एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, हम जनता में रहते हैं। यही नहीं, केंद्रीय राज मंत्री रवनीत बिट्टू भी अपने दफ्तर दे विच वर्करां दे नाल जलेबी खांदे नजर आए। बिट्टू ने जलेबी वाले बयान नूं लेके चुटकी लैंदे कहा कि उन्हां नूं नहीं पता कि जलेबी फैक्ट्री च नहीं बनदी। इस करके राहुल गांधी नूं, जिन्हों ए नहीं पता भी जलेबी हलवाई साडे बनाउंदे आ, किस तरीके नाल कड़ाही च जलेबी बनदी आ, उन्हां ने 50,000 बंदे जलेबी दे नां ते फैक्ट्रियां लाती। ਉਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਲੇਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੂਬ ਮਜ਼ੇ ਲਏ, ਅਤੇ ਜਲੇਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਮਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾੜ ਆ ਗਈ। ਲੋਕ ਜਲੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਖੂਬ ਚਟਕਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
डेस्क तो ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 पंजाब। उधर गिद्दड़बाहा दे विच मनप्रीत बादल ने चोण मुहिम पखाई है तो बीजेपी हाईकमान कहेगी तो लड़ांगा चोण। यह बयान उन्होंने वालों सामने आया कि जनरल दे हुकम ते ही सिपाहियां ने लड़ना होंदा है ते सुखबीर नाल मुकाबला होण ते दित्ता है महाभारत दा हवाला जो कृष्ण ने अर्जुन नूं कहा सी ओही होवेगा। तो मनप्रीत बादल दा यह बयान भी सामने आया तो गिद्दड़बाहा दे विच चोण मुहिम पखाते हुए नजर आए ने मनप्रीत बादल जिस दे विच उन्होंने वालों कहा गया कि जनरल दे हुकम ते सिपाहियां ने लड़ना होंदा है ते बीजेपी हाईकमान कहेगी तो चोण जिहड़ा है लड़ांगा। इस मौके उन्होंने टिकट जिहड़ा है हाल ही दे विच मनप्रीत बादल दे वल्लों कहा गया कि जिमनी चोण दी जेकर उन्होंने मौका दिता जाता है तो वह लड़नगे तो सुखबीर अते मनप्रीत बादल जोड़े ने एक दूजे के खिलाफ जो लड़ते हैं तो यह किसी महाभारत की जंग वर्गा हो गया। तो नाल ही हुणे वड्डा बयान उन्होंने वाले सामने आया कि जो कृष्ण ने अर्जुन नूं कहा सी महाभारत दे हवाला दिंदे हुए उन्होंने वालों कहा गया कि उही होवेगा। तो गिद्दड़बाहा दे विच चोण मुकाबला जिहड़ा है उसके दौरान बोले ने मनप्रीत बादल उन्होंने वालों कहा गया कि बीजेपी हाईकमान जे कहेगी तो वह चोण लड़न। क्या कि सिपाही लड़ना है मतलब सिपाही का काम थोड़ी होंगे लड़ना अफसर का काम होंगे लड़ा तो जे लीडरशिप लड़ाएगी तो सिपाही तो लड़नगे पर बीजेपी पार्टी का जोड़ा स्नेह है मेरी हर मुमकिन कोशिश होएगी और जिनी मेरी हैसियत औकात है कि मैं ये बीजेपी का स्नेह गिद्दड़बाह दे हर घर के पहुँचाव और मैं और मेरे साथी और कुछ कई ड्यूटियां बाहरों भी लगियां कई जड़े इतने बीजेपी का कार्डर असं सारे रल मिल के पंजाब नू पंजाब दे हाल ते नहीं छड्या जा सकता पंजाब नू पंजाब यू नो किसी के रहमो करम ते नहीं छड्या सकता सियाने बंदियां दे संग चलांगे और जेडे बंदियां ने पंजाब का नुकसान किया उन्हां तों अपना देश वापस खोवांगे। जे सामना भरा नाल हो गया मनप्रीत दे पैर पिछे तो नहीं हटणगे सुखबीर सिंह बादल दा शर्म महाभारत दे विच जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन नू स्नेहा दित्ता सी बस ओह स्नेहा याद कर लूंगा। तो उधर मनप्रीत बादल दा राजा वड़िंग ते निशाना भी साध्या गया गिद्दड़बाहा दे नाल जिहड़ी है इस दौरान चोणां दे दौरान उन्हां दी तुलना जिहड़ी है वड़िंग दी तुलना गिद्दड़ दे नाल कीती है ते मेरी गड्डी दे विच बैठण लई वड़िंग ने हथ जोड़े सी ते मनप्रीत वल्लों कहा गया कि वड़िंग ने मेरियां मिन्नतां कीतियां सी म्युनसिपल कमेटी दी चोण दे मौके उह भज गया सी ते नाल ही वड़िंग ने लोकां नूं डिंपी ते सनी ढिल्लों तों नहीं बचाउणा ते गिद्दड़बाहा दे विच प्रचार कर रहे सन मनप्रीत बादल जिस मौके उन्हां दे वल्लों बयान दित्ते गए ने कि मेरी गड्डी दे विच बैठण लई वड़िंग ने हथ जोड़े सी ते वड़िंग ने मेरियां मिन्नतां भी कीतियां सी ते म्युनसिपल कमेटी की चोण मौके भज गया सी वड़िंग ते बयान जिहड़े ने मनप्रीत बादल दे वल्लों सामने आए ने गिद्दड़बाहा दे विच चोण प्रचार कर रहे सन जिस दौरान उन्होंने वल्लों ये बयान दिए गए ते मनप्रीत बादल दा हुण ये राजा वड़िंग ते तिखा निशाना जिहड़ा है सामने आया जिस दे विच उन्होंने वल्लों कहा गया है कि मेरी गड्डी दे विच बैठण लई वड़िंग ने हथ जोड़े सी मिन्नतां कीतियां सी ते म्युनसिपल कमेटी की चोण दे मौके उह भज गया सी ते गिद्दड़बाहा दी विच जिहड़ी है लगातार चुप प्रचार कर रहे ने मनप्रीत बादल ते इस मौके उन्होंने वल्लों ये बयान सामने आया ते नाल ही उन्होंने राजा वड़िंग की तुलना है जिहड़ी गिद्दड़ दे नाल कीती है ते नाल ही एक किस्सा भी नाल दस्सिया है कि जिस दे विच उन्होंने वल्लों कहा है कि राजा वड़िंग दे वल्लों मेरी गड्डी दे विच बैठण लई हथ जोड़े गए सी मिन्नतां कीतियां गईआं सी ते वड़िंग ने लोकां नूं डिंपी ते सनी ढिल्लों तों नहीं बचाउणा है ते मनप्रीत बादल दा इस मौके बयान सामने आया। मैं गिद्दड़बाहा दे हलके दे लोकां नूं इक इह भी अपील करांगा कि और खास करके जेडे कांग्रेस के वर्कर है और कल्ले गिद्दड़बाहा च नहीं पंजाब च भी एक वो कहावत है कि जे गिद्दड़ां दा लीडर शेर होवे तो गिद्दड़ भी शेर बन जाते तो जे शेरां दा लीडर गिद्दड़ होवे तो फिर शेर भी गिद्दड़ बन जाते हैं। थोड़ा लीडर अज राजा वड़िंग है और ये गिद्दड़ है और इस गल की मैं तस्दीक जिहड़ी है गिद्दड़बाहा हल्के दे लोग कर सकते हैं म्यूनिसिपल कमेटी के जो इलैक्शन सीगे यही राजा वड़िंग जिहड़ा है ये मैनू चरणजीत दे घरों बिठा के अपनी कार दे विच बिठाया और ये आपदी कार च भी नहीं बैठा जिहड़ियां इन्नियां दलेरियां ना दलेरियां तो जदों नाल मतलब हालात दे और ये राजा वड़िंग मेरी गड्डी च बैठा कि यार कितें ना होवे तेरी गड्डी थोड़ी जिही अगे निकल जाए तो मैनू पिछों कुट देण और मैं कुदरती मेरे बच्चों का कोई स्कूल का फंक्शन सी मैं कहा यार मैं 2 बजे दिल्ली निकलना मैं कोई बच्चों का स्कूल का फंक्शन है इन्हें मेरिया फिर मिन्नतां कीतियां भी यार तू 2 घंटे होर खड़ जा और ये गिद्दड़बाहा दे लोग और गिद्दड़बाहा दे पत्रकार शायद ये गल दस सकते हैं कि जिवें ही मनप्रीत इत्थों निकलिया गिद्दड़बाहा चों
क्योंकि मैं तो दिल्ली पहुंचना सी, ये भी इतों भज गया। जे तुसीं कोई इत्थे कोई आस लाई बैठे हो कि राजा विडिंग सानू डिंपी होरां तों ते सनी होरां तों बला बचा लूगा, ये आस ना रखिया जे। उधर पंचायती चोणां नूं लै के सड़कां ते सियासी घमासान नजर आया। गिदड़बाहद विच देर रात धरने ते राजा विडिंग नजर आए ने ते कांग्रेस वर्करां ने मलोट बठिंडा हाईवे कीता जाम ते पंचायती चोणां दी नामजदगी दे विच धक्केशाही दे इल्जाम लगाए ने ते 29 सरपंच उम्मीदवारां दे नॉमीनेशन जिहड़े ने रद्द होए ने ते विडिंग दा इल्जाम है उन्हां दे वल्लों कहा गया कि उम्मीदवारां नूं चोण निशान तक मिल चुके सी ते पंचायती चोणां नूं लै के हुण सड़कां ते सियासी घमासान हुंदा होया नजर आ रहा है, जिस दे विच गिदड़बाहद विच रात भर धरने ते दिखे ने राजा विड़िंग ते कांग्रेसी वर्करां दे मलोट ते बठिंडा हाईवे जड़ा जाम कीता गया है ते 29 सरपंच उम्मीदवारां दे नॉमीनेशन रद्द होए, उम्मीदवारां नूं चोण निशान तक मिल चुके सी। राजा विड़िंग दा इस मौके जड़ा है बयान सामने आया ते देर रात तक जड़ा है उन्हां दे वल्लों जां हाईवे जड़ा है जाम कीता गया है ते उन्हां दे नाल कांग्रेसी लोकल लीडरशिप तो अलावा उन्हां दे बेटे भी जड़े इस रोड दे विच शामिल सी ते 29 सरपंचां दी उम्मीदवारी जड़ी है रद्द हुई है। बहुत सारे लोगों ने मन के भी दुबदा रही है कि मैं मैंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो शायद हूँ गिदड़बादी सार कौन लेगा, लेकिन गिदड़बाज हमेशा साडा दिल रहा है, दिमाग रहा है। असी लुधियाने के लोगों का बड़ा मशहूर हाँ और मैं उन्होंने भी सेवा करनी है। मैं उन्होंने तो माफ़ी चाहना कि मगरले समय च थोड़ा कोई ज़्यादा समा नहीं, आने वाले दिनों थोनू आ बाई इलैक्शन तो बाद असी काफ़ी समा लुधियाने के लोगों को देंगे, उन्होंने मसलों से देंगे, लेकिन अत होगी उही गल्लां उही बातां उही। सो फिर असी धरना लाया सुबह 10 बजे दा, लोगों ने धरना लाया सी, हुण ठीक 11 बज गए ने, तकरीबन 13 घंटे हो गए ने, ये स्टिल असी धरना ये चल रहा है। सो अज असी बैठे हाँ गिदड़बाहद पुल ते, रात इत्थे गुजारांगे। मेरे नाल बहुत सारे साथी, साडे बिंटा प्रधान जी है, दीपक गर्ग जी है, बिट्टू जी MC साहिबान हैगे ने, साडे पिंडां दीआं जेड़े जिन्हों के कागज़ कैंसल हुए, नौजवान साथी लोहारे तो इतने खड़े ने, सारे जने कराई वाले तो इतने साथी खड़े ने, दोदे तो खड़े ने, और मदीर तो साढ़े साथी इतने कई खड़े ने, भारू तो खड़े ने, बबाणिया तो खड़े ने, खूनन खुरद तो इतने बैठे ने, सारे साथी मेरे नाल पिछे चक तो बैठे ने, दौले तो बैठे ने, हरेक पिंड दे एक एक दो दो साथी इतने साढ़े नाल बैठे ने, जशन चहल साहब साढ़े प्रवक्ता जी वह भी इतने बैठे ने, बॉबी पंचायती राज के चेयरमैन ने वो साढ़े बैठे ने। सो सारे ये वो लोग ने जिहड़े मैनूं बहुत प्यार करते हैं, मैं सारे दा नाम लाँगा तो तुसी बोर हो जाओगे लाइव दे विच, लेकिन ये लोग है जिन्हां नूं मैं कहा नहीं सीगा इत्थे रहण नूं, लेकिन इन्होंने फैसला किया कि असी तुहाडे नाल रुकांगे। सो ये 250 बंदा वक् वक् जगह पर सुत्ता पिया है, मैं बूटा जी नूं कहूँगा कि वह जरा जरूर लोगों नूं बाद च दिखा के आउण। सो ये लड़ाई लोगों की अस्ते है ता जो देश और विदेश बैठे लोगों नूं असी दस दईए कि ये करतूत हैगी आम आदमी पार्टी की। इन्होंने पूरे पंजाब दे विच इस तरह पंचायती चोणां लुट्टण का प्रण किया, चुनाव करवाना नहीं चाहते सन, लेकिन अचनचेत हाईकोर्ट की इंटरवेंशन हुई और इन्होंने चुनाव करवाने पे, लेकिन इस तरह का बदलाव की जिहड़ी राजनीति इन्होंने की। पर सच्चे पातशाह दिन लियावेगा, तुसी देखोगे ये मूँह दी खानी पएगी। जिस तरह इन्हों लगता कि सरपंच बना के सारी दुनिया नू जित लैणगे, समा दसेगा कि सरपंच बना के तुसी जित लिया के तुसी हार गए। तो उधर राजा विड़िंग तो बाद अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी धरना दिता है। मुक्तसर साहब के DC दफ्तर के बाहर यह धरना लगाया गया तो सुखबीर बादल ने पार्टी वर्करां के समेत यह प्रदर्शन किया है तो पंचायती चोणां दे विच धक्केशाही के इल्जाम लगाए ने ते कहा गया है कि साडे उम्मीदवारां दे कागज़ रद्द किए गए हैं तो धक्केशाही खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करांगे। तो इस मौके सुखबीर सिंह बादल का भी जिहड़ा है बयान सामने आया कि उन्होंने वालों भी यह कहा गया है कि साडे उम्मीदवारां दे कागज़ जिहड़े ने रद्द किए गए हैं तो धक्केशाही के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करांगे। ते राजा विड़िंग तो बाद अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी धरना दिता है ते मुक्तसर साहब के DC दफ्तर के बाहर यह धरना लगाया गया ते सुखबीर बादल ने पार्टी वर्करां दे समेत यह धरना दिता है ते पंचायती चोणां दे विच धक्केशाही दे इल्जाम लगाए ने ते उन्हां दे वल्लों कहा गया है कि साडे उम्मीदवारां दे जिहड़े ने कागज़ रद्द किए गए ने, नॉमीनेशन रद्द किए गए ने ते धक्केशाही दे खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करांगे ते नाल ही उन्हां दे वल्लों भी हाईकोर्ट के उत्ते जिहड़ा रुख करन दी गल आखी गई है। गुंडागर्दी अज तक नहीं देखी जिनी आ झाड़ू वाले ने की है। गिदड़बा इलेक्शन हार गए हैं, आ जिहड़े इन्होंने सरपंच बनाए हैं सरपंच नहीं है,
ਆ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵਾਂਗੂ ਉੱਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਆ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਫਰੋਡ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਏਗੀ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਬਲਟੋਹਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਈਆਂ ਕੁਹਾੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਮ ਜਮ ਕੇ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਸ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਹ ਲਵੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ 435 ਸਰਪੰਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 3032 ਪੰਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 435 ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1325 ਸਰਪੰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ 3263 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 435 ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 3032 ਪੰਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ 135 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1325 ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ 3263 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ 435 ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ 3032 ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਥਲੀ ਸਾਡੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਪਣੇ ਚਲ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮੂਥਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਆਪਾਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ